मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी आपके साथ। तो हम एक बहुत बेसिक बात डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा 2 × 1/2 = 1, 3 × 1/3 = 1, तो 0 × what = 1। तो इसके लिए अब आप ढूंढिए कि 0 × what = 1, तो कैलकुलेटर में भी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो आप इसका आंसर क्या इस तरह से ढूंढने जा रहे हैं कि x × what = 1। तो what = what = 1/x। तो what = 1/0, और आप कैलकुलेटर में 1/0 रखेंगे तो कैलकुलेटर कहेगा कि मुझे तो नहीं मालूम। तो कैलकुलेटर को भी सिखाते हैं, आपको भी सिखाते हैं। देखिए, 1/0 आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मालूम पड़ेगा, आपको देखिए नंबर को छोटा करते जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है कि 0.1 × (?) = 1, ये लाना है आपको। तो क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका 10। अब इसी को 0.01 लाना हो तो क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका 100। तब ये बनाएगा 0.001, तो फिर क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1000। तो इसका मतलब है आपको जितना छोटा छोटा जाना है, आपको जाना है 0.0000 दिल्ली टू न्यूयॉर्क। तो यहां पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा इनटू में 1 × 1000 दिल्ली टू व्हाट, न्यूयॉर्क, बहुत बड़ा नंबर, = क्या आ जाएगा आपके पास 1। बाप रे, अभी भी हम नहीं पहुंच पाए। तो अगर अपने 0.00000001 पूरी अर्थ पे लिख दिया, अर्थ पे लिख दिया, तो इसका 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका 1 लाने के लिए 1000000 कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, अर्थ पे लिखना पड़ेगा। तब भी ये 0 है क्या, इज दिस 0? नो, 0 इज स्मॉलर देन दिस। तो क्या होगा, तो पता नहीं क्या होगा 0, जब 0 इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा हो जाएगा कि जिसका पता ही नहीं है, तो ये भी कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि जिसका हमको पता ही नहीं। तो उसी को क्या कहते हैं, दैट नंबर इज नोन एज इन्फिनिटी। तो इसीलिए इसका रिजल्ट आएगा 1। तो क्वेश्चन की जगह क्या आएगा कि ये बहुत बड़ा नंबर होगा, एंड दैट इज वाई 1/0 इज कॉल्ड व्हाट, 1/0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी। और इसको ऐसा लिखना अलाउ नहीं है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1/x = ∞। जब एक्स 0 की तरफ जाता है तो 1/x किसकी तरफ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है। लेकिन इसमें एक मज़ेदार बात और है दोस्तों, कि अगर ऐसा होता, आपसे ऐसा पूछा जाता कि x into what = 2, या x into what = 3, या x into what = 9, तो आप कहते x = 2/what, ठीक है, या व्हाट की वैल्यू निकालना है तो व्हाट = क्या कह देते हैं हम, 9/x, 2/x, 3/x। और अगर x 0 हो जाता तो 9/0, और 9/0 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 9 × what = 1/0, और 1/0 मैंने आपको बताया इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 × ∞। इसी तरीके से अगर आपके पास है 999 to the power 999/0,
तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो बेसिकली व्हाट वी कंक्लूड, वी कंक्लूड फाइनाइट अपॉन जीरो, फाइनाइट अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। बट अगेन देर इज अ क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज दैट फाइनाइट शुड नॉट बी जीरो। तो फाइनाइट शुड नॉट बी व्हाट, फाइनाइट एक्सेप्ट जीरो, फाइनाइट एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, फाइनाइट एक्सेप्ट जीरो अपॉन जीरो इज व्हाट, फाइनाइट एक्सेप्ट जीरो अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। एंड इन नेक्स्ट वीडियो और इन सम अदर वीडियो वी शैल डिस्कस इफ इट इज, इफ दिस फाइनाइट इज जीरो, इफ दिस फाइनाइट इज जीरो देन व्हाट विल बी जीरो अपॉन जीरो, विल इट बी वन और विल इट बी टू और विल इट बी समथिंग एल्स। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और दोस्तों से बात करते रहें, उनको सारी बातें बताएं। मैंने चैनल सबके लिए फ्री किया है और स्कूल स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।